हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाइट प्लान क्या होगा आपका। जो लड़के जिम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो डाइट प्लान इतना मतलब हैवी नहीं बताऊंगा मैं कि आप उसे अफोर्ड ना कर सकें। मतलब डाइट प्लान एक इजी डाइट प्लान होगा, आप उसे इजीली अफोर्ड कर सकेंगे। तो डाइट प्लान ये है कि आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो लड़के जिम करना चाह रहे हैं उनके लिए, तो फर्स्ट टाइम में आप जिम जाने से तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट पहले आप दो बनाना लेंगे और उसके साथ एक एग बॉयल कर लेंगे। बॉयल करके ये आपने खा लेना है और उसके साथ आपने, अगर आप दही ऐड कर सकते हैं तो दही भी पी लें थोड़ा सा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने तकरीबन आधा घंटा या उसके बाद 45 मिनट के बाद आपने जिम करनी है, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट होने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आपने उन्हें डाइजेस्ट होने देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने जिम जाने से पहले आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन टी आप बनाएं पी लें। और उसके बाद आप जिम जाएं, एक्सरसाइज जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के बकायदा अपलोड करूँगा पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज, कि आप फर्स्ट एक वीक जो एक्सरसाइज आप जिम में लगाएंगे वो एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर लगा के आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज जब जिम से लगा कर आ जाते हैं तो फौरन आप वे प्रोटीन में आपको रेफ़र करूँगा। वे प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन है, तो आप इसे मतलब एक स्कूप इसका जो है, ये छोटा डब्बा भी मिल जाता है और बड़ा डब्बा भी। ये जो बड़ा डब्बा है, ये पीछे बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा डब्बा जो है, ये इसमें 5 LB होते हैं। मतलब कि इसके सर्विंग डे जो होते हैं 74 सर्विंग डे होते हैं। तो जिम से आने के बाद आपने वे प्रोटीन का एक स्कूप जो है, एक मिल्क का ग्लास ले लेना है। उसमें आपने वे प्रोटीन का एक स्कूप जो है उसके अंदर डाल के आपने उसे शेक करके आपने वो पी लेना है। और तकरीबन आप आधा घंटे का गैप लेने के बाद आप अपना जो है खाना, जो खाने में जो ऐड करेंगे उस टाइम, आप उसमें ऐड करेंगे 4 पीस ब्राउन ब्रेड। 4 पीस ब्राउन ब्रेड लेके आपने उसके साथ 2 एग जो है फ्राई कर लेने हैं। और उसके साथ आप टेस्ट के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए कुछ भी अलहदा जो है ऐड कर सकते हैं उसके साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने तकरीबन 2 बजे आपने दलिया जो होता है, गंदम का दलिया, वो आपने उसे मतलब दूध में बना लेना है। दूध में बनाने के बाद आप उसमें बादाम जो है वो 10-15 बादाम अच्छे टेस्ट के लिए आप उसे ग्राइंड करके उसमें ऐड कर लें। और साथ में अगर टेस्ट ज़्यादा बेहतर चाहते हैं तो आप मेवा भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश जिसे कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है 4-5 बजे आपने सलाद खाना है। सलाद में आप एक खीरा लेंगे और खीरे के साथ आप बंद गोभी ऐड कर लें, शिमला मिर्च ऐड कर लें, और एक आप एप्पल मतलब एक आप सेब, इसका आप सलाद बना के आप वो खा लेंगे उस टाइम 4-5 बजे के टाइम। और लास्ट में आप रात के खाने में जो है एक चेस्ट पीस लेंगे, एक चेस्ट पीस चिकन का, तो उसके साथ आप रोटी खाएंगे। तकरीबन 2 रोटी खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, जितनी खा सकते हैं आप चेस्ट पीस के साथ। चिकन जो है ज़रूरी है, क्योंकि चिकन खाएंगे तो मसल्स बनेंगे आपका, मतलब चिकन ही चिकन बनाएगा, मेन बात ये है। तो रात को सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप पी सकते हैं, भूख है आपको, तो रात को सोने से पहले आप दूध पी सकते हैं। तो ये थी हमारी डाइट प्लान की वीडियो। मैंने इसी डाइट प्लान को फॉलो किया है और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे और आप बिल्कुल इंशाल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तकरीबन ये डाइट प्लान मैंने स्टार्ट में यूज़ किया है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो है डाइट प्लान अपना चेंज किया है। वो मैं आपको आगे साथ साथ बताता रहूँगा कि आपने किस टाइम अपना डाइट प्लान चेंज करना है और कब आपने अपनी एक्सरसाइज से जो है वो चेंज करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट वीक जो स्टार्ट कर रहे हैं जिम, उनकी फर्स्ट वीक एक्सरसाइज क्या होगी। और इन सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में
थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।